गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल अगेन। आई एम कंटिन्यू विद माई पाइथन सीरीज। सो इन माई लास्ट वीडियो लेक्चर आई हैड डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंपली द टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम। और थोड़ा सा मैंने आपको बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और ज़्यादा डिटेल में लेने वाले हैं, उसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रहते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कौन कौन सी टर्म्स एसोसिएटेड रहती हैं, दैट वी विल नो इन दिस वीडियो लेक्चर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? आपको बताया था मैंने हिस्टोग्राम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बेल शेप कर्व आपके पास बनता है। यहाँ पे देख लीजिए, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट इज़ करेक्टराइज्ड बाय टू पैरामीटर्स। आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो चार्ट है उसमें कितने पैरामीटर्स होते हैं? मेनली टू पैरामीटर्स मैंने आपको बताए भी थे, एवरेज या मीन या स्केल वैल्यू, विच रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ट एंड द चार्ट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। और चार्ट आपका हमेशा सिमेट्रिकल रहता है, और एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू आप मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, वो आपकी कहाँ पे रहती है? टॉप ऑफ द बेल। ओके, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था। अगर किसी पर्सन ने मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो बिफ़ोर गो थ्रू दिस लेक्चर आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए, उसमें मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाया है। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन विच डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ चेंज बियॉन्ड द मीन, मीन के अकॉर्डिंग मीन जैसा होना चाहिए उसके बियॉन्ड अगर कुछ चेंज होता है। स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर टू मीन अपीयर स्टीपर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम होती है तो आपका ग्राफ स्टीपर बनेगा, वाई लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर टू मीन अपीयर फ्लैट। तो आपका जो चार्ट है या हम कह सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है वो आपका फ्लैट बनेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूर देखिए। यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक हाईलाइट बता रही हूँ, बिकॉज बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वो किया हुआ है तो आप वहाँ से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर होती है तो मींस आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी मीन पे होती है। अगर ऐसा ना हो कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होती है तो आपका जो ग्राफ है वो स्टीपर बनेगा। अगर मींस आप ये बोल सकते हैं कि अगर स्मॉलर होती है, मींस स्मॉल अगर कम होती है स्टैंडर्ड डेविएशन तो ग्राफ स्टीपर बनेगा, ज़्यादा होती है तो आपका फ्लैट बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं प्लॉटिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब प्लॉट करते हैं तो कौन कौन से मेथड हम लोग यूज़ करते हैं? नमपाई अरेंज मेथड यूज़ करते हैं टू क्रिएट एंड रिटर्न ए रेफरेंस टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन एनडी अरे इंस्टेंस। इसका ये मतलब है कि अगर आपको एक नॉर्मली प्रॉपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ग्राफ की तो हम लोग नमपाई अरेंज मैथड को यूज़ करेंगे। विद द हेल्प ऑफ मीन मैथड, STDEV का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, वी कैलकुलेट द मीन। इन मेथड्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इनिशियलाइज टू मीन एंड SD वेरिएबल। आपने सिंपल याद रखना गाइस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करने के लिए हमें अरेंज numpy पैकेज में से अरेंज मेथड चाहिए, मीन मेथड चाहिए मीन कैलकुलेट करने के लिए, STDEV means स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, नाउ इनसाइड द प्लॉट, प्लॉट मेथड जो है, प्लॉट आपको पता है किस लिए होता है? प्लॉट करने के लिए। लास्ट में सारी प्रोग्रामिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। जब ग्राफ को प्लॉट करते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हम प्लॉट मेथड तो यूज़ करते ही हैं। अभी तक हमने जितने भी चार्ट्स बनाए, चाहे वो लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, वो आप पिछले वीडियोज़ देख लीजिए। वी यूज्ड वन मैथड PDF फॉर डिस्प्लेइंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये चीज़ यहाँ पे एक नई है। PDF मतलब, PDF तो वैसे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, वो जो हम PDF फाइल्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे PDF मैथड डिफरेंट है गाइज, बिकॉज हम पाइथन पढ़ रहे हैं। PDF का मीनिंग यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, मीन्स प्रोबेबिलिटी का मतलब आपको पता ही, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है डाटा की। ओके, दिस PDF मैथड प्रेजेंट इनसाइड द scipi.stats.norm, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जस्ट अभी आप इसका नाम याद रख लीजिए गाइज,
अभी डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। यूज इन स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल फॉर सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड टू डिफाइन द कंट्रोल लिमिट्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए यूज़ होती है? स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए। इट कैन बी यूज्ड एन अप्रॉक्सीमेशन फॉर मेनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन। इफ़ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन, वी कैन मेक क्वांटिटेटिव प्रिडिक्शन अबाउट द पॉपुलेशन। आप सिंपल सी बात है ना, देखो अगर आप ये चीज़ें क्यों यूज़ करोगे गाइस, जैसे प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी कोई भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हो आप, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑफिस का एग्जांपल दिया था, प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ऑफिस बस लगी हुई, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि डेली ऑफिस बस आती है। 31 डेज़ का अगर मान लो ये मंथ आपका जा रहा है 31 डेज़ का, उसमें से प्रोबेबिलिटी अगर आपके 25 मान लो वर्किंग डेज होते हैं 31 में से, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 25 के 25 डेज आपकी बस डेली अप डाउन आपको ऑफिस ले जाके छोड़ के करेगी, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर बीच में हो जाती है, तो मतलब ये रहेगा कि आपकी बस 2 दिन नहीं आई, 3 दिन नहीं आई, 4 दिन नहीं आई, ठीक है, तो वो क्या आ रही है बीच में, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है। लेकिन प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं कि ऐसा बहुत कम होगा, ओके। जैसे मीन्स एक लेआउट बना हुआ है, एक पता है कि ऑफिस बस ने आना ही आना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कोई ऐसा तो नहीं होगा कि 25 अगर आपके पास वर्किंग डेज है, उसमें से 20 डेज स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगी, कि 25 अगर वर्किंग डेज हैं उसमें से 20 डेज आपकी बस नहीं आई और 5 डेज आई, ऐसा हो सकता है गाइस? नो, क्योंकि मीन वैल्यू को ही हमेशा लिया जाता है। मीन वैल्यू ये है, प्रोबेबिलिटी ये है कि 25 डेज में से प्रोबेबिलिटी तो यही है कि 25 डेज ही बस आएगी, लेकिन बीच में अगर एक आधी स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाती है, 2 हो जाती हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाली ना गाइस। क्योंकि जब स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, सबसे पहले उसका रूट कॉज जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। रूट कॉज फाइंड आउट करने के बाद प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन दोबारा ना हो, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा होता है तो उससे क्या होता है, क्वालिटी ख़राब होती है, ओके। ये चीज़ आप किसी भी बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहाँ का कुछ चीज़ पॉपुलर है कि ये चीज़ यहाँ की डिश फेमस है, ऐसा हो सकता है कि अब बहुत सारे लोगों से सुन रखा आपने कि हाँ ऐसा होता है। आप किसी दिन खाने गए, उस दिन वो अच्छी ना बनी हो किसी भी कारण से, हो सकता है कि वो डिश जो कुक बनाता हो वो नहीं आया है, उसने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई तो उतनी अच्छी नहीं बनी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो ना, इतनी जल्दी थोड़े ना उसकी क्वालिटी पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो कि नहीं भाई यहाँ पे अच्छा नहीं बनता, क्योंकि उसको बार बार मेज़र किया जाएगा कि ऐसा कितनी बार हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी बार आई। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइम्स आई तो फिर उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा कि नहीं 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 ये चीज़ क्वालिटी वाइज ठीक नहीं है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम होती है तो क्वालिटी वाइज वो चीज़ हमेशा अच्छी ही कंसीडर की जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का इस्तेमाल करके प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली डाटा आपका कैसा होगा, ओके। चाहे फिर वो पॉपुलेशन का एग्जाम्पल हो या कोई भी एग्जाम्पल आप रियल टाइम बिजनेस में ले सकते हैं। इन बिजनेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज टू डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए यूज़ की जाती है, डिसीजन मेकिंग के लिए, ओके। किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना हो, ठीक है, जैसे हम आफ्टर प्लस टू कॉलेज चूज़ करते हैं, यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं कि मुझे यहाँ पढ़ना है, हम देखते हैं कि किसकी ज़्यादा सबसे अच्छी रैंकिंग है, ठीक है, जिसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छी रैंकिंग होगी वो कॉलेज देंगे। वहाँ ऐसा नहीं कि वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशंस नहीं हुई स्टैंडर्ड डेविएशंस, लेकिन टाइम पे उनके प्रिकॉशंस ले लिए गए, उनको रिमूव कर दिया गया। तो उसके कंपैरेटिवली हम दूसरे कॉलेज को कंपेयर करेंगे, फिर हम देखेंगे कि मीन कहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी हम उसी को चूज़ करेंगे। क्योंकि जहाँ पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन की लिमिट्स क्रॉस नहीं करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को लिमिट कर दोगे कि अगर ऐसा होता भी है तो उसके लिए आपने प्रिकॉशंस रखे हुए हैं पहले से, तो आपकी वही चीज़ जो है मार्केट में फेमस होती है, ओके। नाउ तो ये चीज़ हमारी हेल्प करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग के लिए, ओके। मेन आपका जो यहाँ पे रहेगा उस चीज़ को आप
अगर आपसे कोई सिंपली लेमैन पूछता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाई यू यूज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपली आंसर फॉर डिसीजन मेकिंग. फिर आप कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके उसको ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो. राइट नाउ सो दिस इज द, अब हम नेक्स्ट एक और यहाँ पे चीज़ है, पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू पैरामीटर्स, मीन और स्टैंडर्ड. पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मीन मैंने आपको बताया अभी लास्ट वीडियो में भी. मीन इज़ द सिंपल मैथमेटिकल एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ टू और मोर नंबर्स, जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था. द मीन इज सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया थे पिछली वीडियो में भी. किसी को नहीं पता है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू नंबर्स, 2 + 4, सम ऑफ दिस नंबर आई हैव 6, नाउ डिवाइड दिस नंबर बाय द नंबर यू हैव. 1, 2 नंबर्स हैं तो 6 को आपने 2 से डिवाइड किया तो मीन कितना आ गया, 3. तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, मीन. नाउ नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको बता ही दी. स्टैटिस्टिक मेजर्स द डिस्पर्शन ऑफ अ डाटा सेट रिलेटिव टू इट्स मीन एंड इज कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस. स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज जस्ट अ टेक्निकल डेफिनेशन. ये ज़्यादाकर जो आपके नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. आप सिंपल याद रखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने आपको बताया जो चीज़ डेली होती है अगर वैसा नहीं होता है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है. फिर उसका रूट काउज हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो दोबारा ऐसा ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं. सिंपल सिंपल फंडा है. वैसे तो मैथमेटिकली इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं एंड ऑल दैट, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस. यू जस्ट फोकस ऑन द डेफिनेशन एंड फॉर द ग्राफ. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर नाउ. आई थिंक वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट दैट आई विल डिस्कस विद यू, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. अभी एक स्लाइड का टॉपिक यहाँ पे रह गया था. सो दिस इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज़ बेल शेप्ड, आपको बताया था. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होता है आपको पता होना चाहिए, बेल शेप्ड होता है. कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन, मीन के लिए वो सिमेट्रिक रहेगा. मीन मीडियन मोड आर इक्वल एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई कर्व, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, दिस इज़ माई वाई एक्सिस, ये आपका मीन है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे रहेगा. कर्व नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, कर्व कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है. 3-4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, बस यही याद रखिए गाइज. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व आपका, फर्स्ट वन बेल शेप होता है, सेकेंड सिमेट्रिक होता है, थर्ड मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. मीन मोड सब आपका मिडल में क्या है, काउंट होता है यहाँ पे. और जो आपका कर्व है नेवर टचेस द एक्स एक्सिस. ओके सो दिस दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गाइज. सो इन दीज टू वीडियो लेक्चर, फॉर टुडेज लेक्चर एंड लास्ट वीडियो लेक्चर जो मैंने बताया था, दोनों वीडियो लेक्चर्स को देखिए बिफोर गो थ्रू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. Right guys, so this is all about for today's lecture. If you have any query, any doubt, please comment me on the comment section of my YouTube channel and welcome your suggestions. So if you like my video, like, share and subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon for more video notifications. Right guys, tab tak ke liye, thank you so much guys. Bye bye. Take care, stay safe, stay healthy.